हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आपको अपना वीज़ा चेक करना है तो कैसे आप चेक कर सकते हैं। वीज़ा चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। जाने के बाद आपको यहाँ लिखना होगा मुकीम। जब मुकीम लिखेंगे सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जब मुकीम लिखेंगे तो यहाँ देखें सबसे फर्स्ट वाला मुकीम पोर्टल आ जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको वीजा वैलिड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखें जैसे अरबी में आया हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं वीजा वैलिड का ऑप्शन आपको सामने दिखेगा। इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे वीजा वैलिडिटी दिख रहा है। जस्ट इसी के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा यहाँ से सर्विस उपलब्ध है, यहाँ से जो भी आपको चेक करना है चेक कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीजा कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ वीजा वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें, फिर यहाँ पर आपको क्या क्या डालना है, आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, और यहाँ पर आप अपना नाम से चेक कर सकते हैं, आप अपना पासपोर्ट से। देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ से आप चेक कर सकते हैं, पूरा यहाँ डिटेल दिया हुआ है। लेकिन इससे पहले बताना चाहता हूँ कि अदरवाइज आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पर चले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद आपको अपना डेट बर्थ डालना है। यहाँ पर मंथ ईयर्स और डेट तीनों सेलेक्ट करना है, देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ कैलेंडर का ऑप्शन दिया, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा डिटेल चेक करना है। अगर आपको वीजा नंबर याद है तो वीजा नंबर से भी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें वीजा नंबर याद नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर से और अपना डेट बर्थ से चेक कर सकते हैं। देखें यहाँ पे वीजा जैसे मेरा एक्सपायर हो गया है। अगर जिनका वीजा इशू हुआ होगा तो यहाँ वैलिड दिखाएगा, एक्टिवेट दिखाएगा। मेरा वीजा ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपायर है, इसीलिए एक्सपायर यहाँ दिखा रहा है, रेड कलर दिखा रहा है। अगर आपका वीजा में टाइम होगा या वैलिड होगा, तुरंत इशू हुआ होगा, तो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाएगा और यहाँ पे वैलिड लिखेगा, एक्टिवेट लिखेगा। देख सकते हैं ये कब इशू हुआ है, कब एक्सपायर हो जाएगा, कितना दिन का है, पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। आप अच्छा से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता है कैसे चेक करते हैं, किस तरह चेक करते हैं, आप अगर नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ। यहाँ पे देख लें इस तरह चेक किया जाता है। जैसे यहाँ पे वीजा के जो टाइमिंग है, यहाँ पे 55 डे यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितना दिन का इशू होगा वहाँ लिखा